हेलो चिल्ड्रन, एक बार फिर आपसे मुलाकात हमारी। मैं आपकी मैम रेनू मैम, ब्रेन रूट सीरीज बाय अमित पब्लिकेशंस, देववाणी संस्कृत पाठमाला भाग 5, चतुर्थ पाठ, पाठ 4, लोकमान्य तिलक। लोकमान्य तिलक का नाम जानते हो बच्चों आप लोग? लोकमान्य तिलक के बारे में आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। अगर नहीं जानते हो तो आज आप जान जाएंगे लोकमान्य तिलक कौन थे, क्या किया उन्होंने। ये हमारे हैं लोकमान्य तिलक। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक राष्ट्रस्य वस्तुतः तिलकम आसीत। लोकमान्य तिलक वास्तव में, इनके तो जो सरनेम था वो तिलक था, लेकिन ये वास्तव में ही हमारे राष्ट्र के तिलक थे। जैसे माथे पर तिलक लगाते हैं तो वो माथे की शोभा बढ़ाता है, ऐसे ही हमारे राष्ट्र के ये वो तिलक थे कि जिनको, जिनके नाम लेने से ही, जिनको देखने से ही, जिनका जो ये व्यवहार करते थे, जो स्वतंत्रता के लिए इन्होंने किया, इनका नाम लेने से ही भारत का सिर ऊंचा हो जाता है। अस्मान् स्वतंत्रताया पाठम अपाठयत्, इन्होंने ही हमें स्वतंत्रता का पाठ पढ़ाया। जाना बच्चों आपने कि लोकमान्य तिलक ऐसे हमारे राष्ट्र के तिलक थे, इन्होंने ही हमें स्वतंत्रता का पाठ पढ़ाया। सह राष्ट्रस्य अनुपमां सेवां अकरोत्, इन्होंने राष्ट्र की, हमारे देश की अतुलनीय सेवा की, बहुत सेवा की इन्होंने। स्वराज्यम अस्माकं जन्मसिद्ध अधिकार, स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। इति पाठम स एव अस्मान् अशिक्षत, ये पाठ की शिक्षा उन्होंने ही हमें दी। इनका जो स्लोगन है बच्चों, इनका जो नारा है, स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये पाठ इन्होंने ही हमें सिखाया। तिलकस्य जन्म महाराष्ट्र राज्यस्य चिरबल नाम के ग्रामे अभवत्। तिलक का जन्म महाराष्ट्र राज्य के चिरबल नामक गांव में हुआ था। तस्य जनक राम चंद्र गंगाधर राव नाम का एक कुशल शिक्षक आसीत। इनके पिता, इनका जिनका नाम था रामचंद्र गंगाधर राव, एक बहुत अच्छे शिक्षक थे। तिलकस्य जननी परम सुशीला ईश भक्ता च आसीत, जो तिलक की माँ थी वो बहुत सुशील और भगवान को मानने वाली, ईश्वर से प्रेम करने वाली महिला थी। किंतु यदा सह 10 वर्षीय आसीत, परंतु जब तिलक 10 साल के हुए तभी उनकी माता का स्वर्गवास हो गया था। तिलकस्य बालकाल सुखेन न व्यतीत, तिलक का जो बचपन था वो सुख पूर्वक व्यतीत नहीं हुआ। यदा सह 16 वर्षीय आसीत, जब वो 16 वर्ष के थे, तस्य जनक शरीरम अत्यजत, उनके पिताजी ने भी शरीर त्याग दिया, यानी कि उनके पिताजी का भी स्वर्गवास हो गया था। तथापि तिलक परिश्रमेण अध्ययनम अकरोत, फिर भी तिलक ने बहुत मेहनत से अध्ययन किया। क्रमशः सह स्नातकस्य उपाधिना सम्मानित अभवत, और इस अपने फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे उन्होंने स्नातक की यानी कि डिग्री प्राप्त की। तिलक है संस्कृत से अद्भुत पंडित आसीत, तिलक संस्कृत के एक पंडित थे, महान ज्ञाता थे, संस्कृत का उन्हें बहुत ज्ञान था। स्वजन के इव से अभी शिक्षण कार्य अकरो, अपने पिता के समान इन्होंने भी शिक्षण कार्य किया, यानी कि ये भी अध्यापक बन गए थे। शीघ्रम से राष्ट्र सेवायाम संलग्न अभवत, और जल्दी ही वो राष्ट्र की सेवा में लग गए। राष्ट्र हिता ऐसे है अनेक वारम कारागारम अगच्छत, राष्ट्र के हित के लिए, देश की भलाई के लिए अनेक बार वो जेल गए। विविधानी कष्टानी च अनुभवत, और अनेक कष्टों का अनुभव किया, क्योंकि जब वो जेल गए तो उन्हें बहुत सारे यातनाओं को भी झेलना पड़ा। तिलक है द्वे पत्रे प्रकाशित, तिलक ने दो पत्रिकाओं का दो पत्र प्रकाशित किए। पत्राभ्याम सह देशम उद्बुधम अकरोत, पत्रों में उन्होंने देश को क्या किया, देश को जगाया, उद्बोधित किया, देश को जगाया। यदा वैदेशिकानां भयेन कोऽपि स्वतंत्रताया शब्दोच्चारणम अपि न अकरोत, तदा तिलक निर्भीक भावेन स्वविचारान् प्रकाशयत, जब विदेशियों के डर से कोई भी स्वतंत्रता शब्द का उच्चारण नहीं करता था, इतना डर लगता था लोगों को, विदेशियों से कोई भी इस शब्द का उच्चारण ही नहीं कर पाता था, तब तिलक ने निर्भीकता पूर्वक, निडरता पूर्वक अपने विचार व्यक्त किए। शनै शनै अगणिता जना तस्य
अनुचरा अभव, धीरे धीरे बहुत सारे लोग उनके अगणनीय, जिनकी गणना नहीं की जा सकती, मतलब अगणनीय लोग थे, असंख्य लोग थे जिन्होंने उनका अनुचर किया, उनके अनुयायी वो बन गए। देशम च स्वतंत्रम अपूर्वत, और उन्होंने देश को आजाद कराया। तो बच्चों आज आपने जाना तिलक के बारे में, कैसे थे तिलक, तिलक ने कैसे हमें कौन सा नारा दिया, स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, और उन्होंने देश की आजादी के लिए विदेशियों से ना डरते हुए, जो लोग डरते थे कि हम कैसे अपने मुंह से निकालें कि ये जो स्वतंत्रता शब्द भी नहीं निकालते थे, उन्होंने उनके मुंह से स्वतंत्रता शब्द निकाला। ऐसे करते करते इस तरीके का कार्य करते हुए, देश की सेवा में लगे हुए, कई बार जेल गए, बहुत सारी यातनाओं को भी सहा, इसको देखते देखते असंख्य लोग उनके अनुयायी बन गए और उन्होंने फिर देश को आजाद कराया। ऐसे थे हमारे लोकमान्य तिलक, जिन पर कि आज हम गर्व करते हैं। तो पाठ में आए हुए कुछ शब्द और उनके अर्थ के बारे में जानते हैं। ईश भक्त, ईश्वर को मानने वाले, ईश्वर के भक्त। जन्म सिद्ध अधिकार है, जन्म सिद्ध अधिकार। अशिक्षित माने शिक्षा दी या पढ़ाया। 10 वर्षीय, 10 वर्ष के। 16 वर्षीय, 16 वर्ष के। प्रकाशित, प्रकाशित किया। कारागारम, जेल, विविधानी, अनेक प्रकार के। राष्ट्र सेवायाम, देश की सेवा में। संलग्नम माने लग गए। उद्बुधम, जगाना, जगाया। देश को उन्होंने क्या किया, उद्बोधित किया, देश को जागरूक किया, जगाया। तो इस प्रकार हमने पाठ में आए हुए बच्चे कुछ शब्द और उनके अर्थ के बारे में जाना। कुछ अभ्यास कार्य करते हैं बच्चों हम। पहला हमारा अभ्यास है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर। पहला प्रश्न है तिलकस्य जन्म कुत्र अभवत्। तिलक का जन्म कहाँ हुआ, कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र के चिरबल नामक गांव में हुआ था। महाराष्ट्र राज्य चिरबल नामक ग्राम में अभवत। तिलकस्य बालकाल कीदृश आसीत। तिलक का बचपन कैसा था? बहुत कष्टमय था, सुखपूर्वक नहीं व्यतीत होता था। तिलकस्य बाल्यकाले सुखेन न व्यतीतः। सह कम पाठम अस्मान् अपाठयत्। उन्होंने हमें कौन सा पाठ पढ़ाया? सह स्वतंत्रताया पाठम अस्माकम् अपाठयत्। उन्होंने हमें स्वतंत्रता का पाठ पढ़ाया। तिलकस्य जनकः कः आसीत्। तिलक के पिताजी कौन थे? तिलकस्य जनकः रामचंद्र गंगाधर एकः शिक्षकः आसीत्। तिलक के पिता रामचंद्र गंगाधर एक शिक्षक थे। तिलकम प्रति अस्माकम किम कर्तव्य, तिलक के प्रति या देशम प्रति अस्माकम किम कर्तव्य, देशम प्रति अस्माकम कर्तव्य है कि यत स्वराज्य अस्माकम जन्म सिद्ध अधिकार अस्ति। स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसको हम प्राप्त कर कर रहेंगे। तो इस प्रकार बच्चों दूसरा हमारी एक्सरसाइज है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला रिक्त स्थान है तिलक संस्कृत डैश आसी। तिलक है संस्कृत से अद्भुत पंडित आसीत। दूसरा है तिलक द्वे पत्रे प्रकाशयत। तिलक ने दो पत्र को प्रकाशित किया। यदा से 10 वर्षीय आसीत तस्य माता शरीरम त्यजत। उनकी माँ ने शरीर त्याग दिया। टेक्स्ट है तिलक डैश अध्ययनम अकरोत। तिलक परिश्रमेण अध्ययनम अकरोत। नेक्स्ट है तिलक से जननी सुशीला ईश्वर भक्ता च आसी। उनकी माँ सुशील थी और ईश्वर भक्त थी। एक्सरसाइज हमारी है हिंदी में अनुवाद करना है। तिलक द्वे पत्रे प्रकाशित पत्राभ्याम सह देशम उद्बुधम अकरोत। तिलक ने दो पत्र प्रकाशित किए, उन पत्रों से उन्होंने देश को जागरूक किया। नेक्स्ट है यदा वैदेशिकानां भयेन कोऽपि स्वतंत्रताया शब्दोच्चारणम अपि न अकरोत। जब विदेशियों के डर से कोई भी स्वतंत्र इस शब्द का उच्चारण नहीं करता था। तदा तिलक निर्भीक भावेन स्वविचारान प्रकाशयत। तब तिलक ने निडर होकर अपने विचारों को प्रस्तुत किया। शनै शनै अगणिता जना तस्य अनुचरा अभवन। धीरे धीरे असंख्य लोग उनके अनुयायी बन गए। तिलक बाल्यकाल सुखेन न व्यतीत। तिलक का बचपन सुखपूर्वक नहीं व्यतीत हुआ। नेक्स्ट एक्सरसाइज बच्चों संस्कृत में अनुवाद करना है। पहला हमारा वाक्य है तिलक राष्ट्र के सचमुच तिलक। तिलक राष्ट्र से वस्तुतः तिलक आसी। दूसरा है तिलक का जन्म चिरबल नामक गांव में हुआ था। तिलक से जन्म है चिरबल नाम ग्रामे अभव। नेक्स्ट तिलक ने अपना शैशव कठिनता से बिताया। शैशव यानी कि बचपन। तिलक स्व बाल्यकाले सुखेन न व्यतीत।
वे राष्ट्र सेवा में बड़ी तत्परता से लग गए थे, ते राष्ट्र सेवायाम संलग्न अभवत। देश की सेवा में वह कई बार जल गए, देशस्य सेवायाम सह अनेक वारम कारागृहम अगच्छत। इस प्रकार हमने संस्कृत के अनुवाद किए। नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज है निम्नलिखित शब्दों के सही अर्थ चुनकर लिखने हैं। इधर साइड में हमारे कुछ अर्थ दिए हुए हैं, इधर ये शब्द हैं, उनको हमें चुनकर सही अर्थ लिखना है। तिलकम टीका, कोलाहल शोर, अनुग्रह कृपा, कुटिल टेढ़ा, आतुर व्याकुल, समर्थ शक्ति संपन्न। तो इस प्रकार हमने पाठ में आए हुए बच्चे कुछ शब्दों के अर्थ को चुनकर लिखा। नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज है संधि विच्छेद करिए। कुछ शब्द दिए हुए हैं, यहाँ पर हमें इनका संधि विग्रह करना है। पत्राभ्याम, पत्र प्लस आभ्याम, पत्राभ्याम स्वविचारान, स्व धन विचारान। नेक्स्ट है विविधानी, विविध विविध प्लस आनी विविधानी। उद्बुद्धम, उत प्लस बुद्धम, उद्बुद्धम हो जाएगा। सम्मानित सम्मान, धन इत सम्मानित। तो इस प्रकार हमने पाठ में आए हुए शब्दों का बच्चों संधि विच्छेद किया। नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज है बच्चों वाक्य बनाइए। कुछ शब्द दिए हुए हैं जिनके की हमें वाक्य बनाने हैं। पहला है जननी, वसुंधरा अस्माकम् जननी अस्ति। वाक्य आप कोई भी छोटे छोटे बना सकते हैं। स्नातकस्य सह स्नातकस्य उपाधिम्, प्राप्तवा शिक्षण कार्यम अकरोत्। नेक्स्ट है कष्टानि, सह अनेकानि कष्टानि, असहत अनेक कष्टों को सहा उन्होंने। नेक्स्ट है निर्भीक, तिलकः निर्भीकः आसीत, तिलकः निर्भीकः आसीत, स्वतंत्रम सह सह स्वदेशम स्वतंत्रम अकरो, बालकाय सह बालकाय वस्त्राणि आनयति, वह बच्चों के लिए कपड़े लाता है। तो इस प्रकार हमने पाठ में आए हुए बच्चों शब्दों के वाक्य बनाए। नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज है एक्टिविटी कार्य, रचनात्मक कार्य। ये लोकमान्य तिलक के विषय में आपको 9 वाक्य लिखने हैं, ऐसे कि जो लोकमान्य तिलक के बारे में है, अभी आपने पाठ में भी पढ़ा उनके बारे में जाना। तो आप कोई भी 9 वाक्य हिंदी में भी लिख सकते हैं और लिखकर अपनी होमवर्क कॉपी में अपने टीचर को दिखाइए और उनको बताइए कि हमने भी होमवर्क कॉपी में लोकमान्य तिलक के बारे में 9 वाक्य लिखे हैं। तो इस प्रकार बच्चों हमने तिलक के बारे में जाना। नेक्स्ट पार्ट में हम आपसे फिर मिलेंगे। आभार।